नमस्कार, मैं हूं रतन सिंह शेखावत और आज आपको बनाओ दिखाओ के अंदर मैं बताता हूं कि आप इंटरव्यू लेते समय किन बातों का ध्यान रखें। ज़्यादातर क्या, आजकल यूट्यूब आने के बाद में बहुत से लोग पत्रकारिता में उतर आए हैं, नए लोग होते हैं और इंटरव्यू लेते टाइम क्या किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए ये उन्हें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि इंटरव्यू लेने के लिए एक आप ऐसी जगह बैठे जहाँ पे रोशनी पर्याप्त मात्रा में हो, आप चाहे डेलाइट इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पे अच्छी ट्यूबलाइट्स लगी हो, सब कुछ हो। और यदि आपको ये लगता है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लाइट्स कम होती है तो आप आजकल एलईडी, कई कंपनियों की एलईडी आती है, एक 50 वाट की या 100 वाट की आप एलईडी खरीद लीजिए, वो अपने बैग में रखिए और सामने वाले के चेहरे पे एलईडी आप डाल नहीं सकते तो उसकी जो रोशनी है वो आप सीधे छत पे डालिए और उस कमरे में रोशनी हो जाएगी। दूसरी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो है सिटिंग अरेंजमेंट। आपने रोशनी की व्यवस्था कर ली, अब उसके बाद आप सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। अब जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अब यदि मैं मान लीजिए मैं इस तरफ किसी जिनका इंटरव्यू लेना उनको बिठा दूँ तो मोस्टली होता है क्या है कि हमारे हाथ में जो माइक होता है वो हमारा ये दाहिना हाथ जो है इसके अंदर हम माइक रखते हैं। अब यदि सामने वाले को मैं इस साइड में बिठा लूँ, अपने बाएं तरफ बिठा लूँ तो मेरा हाथ बार बार यूं जाएगा और वो सामने आएगा। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको अपनी दाहिने हाथ की तरफ बिठाएँ और जैसे ही आप माइक से ऐसे बोल रहे हैं और तुरंत आप माइक यूं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा और बहुत ढंग से रहेगा, लोगों को बुरा नहीं लगेगा। तो ये जो लेफ्ट राइट जो बैठने का जो तरीका है वो जो मैंने बताया, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, इंटरव्यू लेने के लिए रोशनी की बात हो गई, माइक कैसे पकड़ना है, कैसे बैठना है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है हमारा उस पर अपनी बात हो गई। तो तीसरी बार बात आती है कि सबसे पहले आप जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि आप किसका इंटरव्यू ले रहे हैं और उसके बाद आप जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे आप सवाल पूछने शुरू कीजिए। अब सवाल आप किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, आप यदि लेकिन आप एक ही तरह के सवाल पूछते हैं तो आपके जो दर्शक होंगे उनको कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, क्योंकि बार बार आप हमेशा से एक डिफरेंट जो अलग अलग तरीके के सवाल हैं वो पूछिए और कोशिश कीजिए कि आपके जो दर्शक हैं उनको कहीं भी नहीं लगे कि आप सामने वाले की चापलूसी कर रहे हैं या फिर आप बिल्कुल ही उनके खिलाफ़ बोल रहे हैं। तो ये आपको एक बैलेंस भी रखना है, आप चापलूस भी नज़र नहीं आनी चाहिए और जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी विरोधी विचारधारा वाले भी नज़र नहीं आने चाहिए। सवाल पूछते टाइम आप ध्यान रखें, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ही आप सवाल पूछते रहें, बोलते रहें, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे या फिर सामने वाला उत्तर दे रहा है और वो भाषण शुरू कर देता है और आप चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं, वो भी गलत है। यदि कोई भी इंटरव्यू देने वाला यदि लंबा भाषण शुरू करता है तो आप बीच में उसके भाषण से संबंधित जो वो बोल रहा है उसके जवाब से संबंधित ही आप तुरंत एक सवाल डाल दें, वरना आपके दर्शक सोचेंगे कि यार आपने एक सवाल पूछा और उत्तर देने वाला उत्तर देने की जगह भाषण दे रहा है, भाषण कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। आप मतलब इनके अंदर एक बैलेंस बना के रखें कि आप भी समय पर सवाल करें और सामने वाले को पर्याप्त समय भी दें बोलने का। अब आप सवाल पूछ रहे हैं, सामने वाला जवाब दे रहा है, लेकिन उनमें यदि निरसता हुई, उनके अंदर थोड़ा सा उत्तेजना नहीं रही, मतलब गर्मा गर्म बहस नहीं हुई तो देखने वालों को मज़ा नहीं आएगा और वो आपका इंटरव्यू बिना देखे इधर से बीच में से छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके अंदर पूरा दिलचस्पी लोगों को बनी रहे, तो एकदम से ठंडे वाला सा, जैसे बिल्कुल कोई धीमी गति से बोल रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उसमें ठंडक लोगों को नहीं नज़र आनी चाहिए। आप बीच में कटु सवाल भी पूछें उससे थोड़ी सी दोनों के बीच में, आपके और इंटरव्यू देने के वाले के बीच में एक उत्तेजना भी रहेगी और बहस भी आपकी गर्मा गर्म हो। प्रश्न उत्तर पूरा होने के बाद, यानी आपका इंटरव्यू जब पूरा हो जाए तो उसके बाद आपकी क्या उनसे बात हुई है उसका एक निचोड़ जरूर प्रस्तुत करें आखिर में, ताकि लोगों को ये पता रहे कि आपने क्या लिया और क्या उनको देखना चाहिए था। साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आप निचोड़ निकालेंगे यानी जो संक्षिप्त परिचय वो लास्ट में देंगे आप,
तो वो एक निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें किसी तरह की पक्षपात नहीं होनी चाहिए। आप यदि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं तो इंटरव्यू लेते टाइम या कैलकुलेशन करने तक वो आपकी विचारधारा आपके इंटरव्यू में झलकनी नहीं चाहिए। आप यदि पत्रकार हैं तो निष्पक्ष रहिए, आपकी व्यक्तिगत कोई भी राजनीतिक विचारधारा है वो उस पर हावी मत होने दीजिए, निष्पक्षता का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आशा है कि आप जब भी इंटरव्यू लेंगे तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे, और समय समय पे हम आपको और भी जानकारियां देंगे, इसलिए हमारा जो चैनल है बनाओ दिखाओ उसके ऊपर आते रहें। आपके यदि कोई सवाल हैं तो हमसे ज़रूर पूछें, हम समय समय के ऊपर उनका उत्तर अवश्य देंगे।